here to subscribe. मिशन चूचू टाउन को बचाने का। आज टीटी पो चेकअप करवा रहा है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ टूटते तारे देखने जा सकता हूँ? बिल्कुल, जाओ मस्ती करो टीटी पो, मजा आएगा। एक बात पूछनी थी, क्या टूटते तारे सच में धरती पर गिरते हैं? ज्यादातर तो खत्म हो जाते हैं, कुछ जमीन से भी टकराते हैं। अगर एक बड़ा वाला चूचू टाउन पर गिर गया तो क्या होगा? देखो, गिर तो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद ना के बराबर है। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। जीनी, डीजल, अब तक वापस नहीं आए, घर पहुंचकर उनका इंतजार करता हूँ। टीटी पो, इसी समय ऑडिटोरियम में पहुंचो। ठीक है। मिस्टर हब, ओ टीओ। अच्छा, तुम आ गए। तुम्हें भी बुलाया है डीजल। हाँ, लगता है कोई जरूरी बात है। ओ, मिस्टर हब को देखो, टीओ को भी, दोनों की यूनिफॉर्म आज अलग है। असल में टी और मैं चूचू शहर के खुफिया एजेंट्स हैं। और तुम दोनों खुफिया ट्रेन एजेंट्स हो? क्या, खुफिया एजेंट्स? हम चूचू शहर को बचाने वाली स्पेशल फोर्स हैं। वाह, क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा मैं खुफिया ट्रेन एजेंट हूँ। ध्यान दो, तुम्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना है। एक महत्वपूर्ण मिशन? देखो, ये जो बड़ा उल्का है, ये तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लगता है ये टकराएगा ठीक इस जगह। ये तो चूचू शहर है। ये तो बहुत बुरा होगा। अगर ये टकराया तो चूचू टाउन हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या? भी नहीं होने देंगे। जल्दी कुछ करना होगा, चलो चले। हाँ, लेकिन रुको, हम अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? हाँ ठीक कहा, हम उड़कर तो नहीं जा सकते हैं। हम लोग इस बारे में पहले से ही सोच चुके हैं। बदलाव पूरा हुआ, रॉकेट बन गए हम। सिर्फ खुफिया रेल एजेंट्स के पास ही इस तरह के विशेष उड़ने वाले उपकरण हैं। अब बिना परेशानी के अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हम मिशन के लिए तैयार हैं अब। जरा रुको, मिशन में कामयाब होने के लिए तुम्हें एक और चीज चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे बम हैं जो उल्का को तबाह कर देंगे। इससे पहले कि उल्का पिंड चूचू शहर के नजदीक आए, तुम्हें उसे अंतरिक्ष में ही विस्फोट से उड़ा देना होगा। जी सर। खुफिया रेल एजेंट्स, क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार हैं। हमारे शहर का भविष्य तुम्हारे ऊपर है। जी सर। डीजल, टीटी पो, आओ चलो। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए डीजल। मजा आ रहा है। जल्दी चलो, समय बहुत कम है, हमें उल्का के पास पहुंचना है। अरे हाँ, ठीक कहते हो तुम। आओ। ये सब क्या है? अरे नहीं, ये तो उल्का पिंड है। ध्यान से। Yeah.
जबरदस्त सीक्रेट एजेंट हैं हम। आ जाओ। डीजल बचो। टिटीपो टिटीपो डीजल बचो। टिटीपो ठीक हो ना तुम? हाँ बस थोड़ी खरोचे लगी। शुक्रिया दोस्त, तुम में कमाल की बहादुरी है। शुक्रिया। वो रहा उल्का पिंड। जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है ये। चलो आओ चलते हैं। मेरे इंजन में कुछ हो रहा है। शायद खराब हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। चलो चले। बस थोड़ा सा और। डीजल, तुम ये कर सकते हो। हाँ, देखो मेरी ताकत। टीटीपो पहुंच गए। एक काम तो हुआ। ओ, हम पृथ्वी के बहुत पास हैं। हमें बॉम लगा देना चाहिए। ठीक है। मैंने बॉम लगा दिया। मैंने भी लगा दिया। टीटीपो चलो घर वापस चलते हैं। ठीक है। आओ चले। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे ये क्या, मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है। अब क्या करें? मुझे खींचने में तुम्हारा ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल हो गया। बम बहुत जल्दी फटने वाला है। अब हम क्या करें? डीजल मुझे छोड़कर तुम चले जाओ। क्या? मेरे बिना तुम्हारे पास उतना फ्यूल तो होगा कि तुम धरती पर पहुंच जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब जाओ, जल्दी करो डीजल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने दोस्त को छोड़ के कैसे जाऊं? मेरे प्यारे चूचू टाउन का ध्यान रखना डीजल। टीटीपो टीटीपो डीजल। ये तो फिक्स और लिफ्ट है। बम फटने वाला है। मुझे पता है, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है। सब आपस में जुड़ चुके हैं। तो चलो। शाबाश दोस्तों, अब जल्दी से चूचू शहर चलते हैं। हाँ। ओह, लेकिन तुम्हें कैसे पता हमें मदद चाहिए? क्या तुम भी खुफिया एजेंट्स हो? हम दोनों बचाव दल के सीक्रेट एजेंट्स हैं। मिस्टर हब ने हमें बताया कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए हम मदद को आ गए। क्या बात है, शुक्रिया दोस्तों। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम दोनों ने ही शहर को बचाया है। ठीक कहा, तुम दोनों असली हीरो हो। सभी मुश्किलों से जूझ कर जा पहुँचे वो उल्का पर। हौसला दिखाया, उल्का उड़ाया। सुपर सीक्रेट एजेंसी रिपोर्ट डीजल। चिंता हो रही है, वो सब अभी तक नहीं लौटे। ओ, वो रहे टीटीपो और डीजल। पहुंच गए दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। डीजल तुम हीरो हो, तुम अच्छे नहीं सबसे अच्छे हो। टीटीपो डीजल बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने चूचू शहर को बचा लिया।
डीजल, हमने सचमुच कर दिखाया। ओ, आसमान की तरफ देखो। ये उसी उल्का के टुकड़े होंगे जिसे तुमने उड़ा दिया। कितने सुंदर है। टूटते हुए तारे। टिटिबो, डीजल, चलो टूटते हुए तारे देखने चले। तुम जल्दी करो। हाँ, लेकिन उन्हें अभी तो हमने देखा था। अरे तुम क्या फिर से सो गए थे टिटिबो? मैं सपना देख रहा था। डीजल, मेरे सपने में तुम और मैं खुफिया ट्रेन एजेंट्स थे। खुफिया ट्रेन एजेंट्स? हमने साथ मिलकर चूचू टाउन को बचाया था। वाह, सच में? वैसे तो ये एक सपना ही था, लेकिन डीजल और टिटिबो ने यहाँ भी कमाल कर दिया। मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं। लोगों की शिफ्ट शुरू होने वाली है। ठीक समय पर आए लोगों। हाय मिस्टर हर्ब, गुड मॉर्निंग। आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोगों। शुक्रिया, लौट कर आपसे मिलता हूँ। बाय। ये तो बंदरगाह जा रहा है। ओह, गलत डिब्बे। लोको, तुम गलत डिब्बे ले जा रहे हो। लोको, मेरी आवाज नहीं सुन पाया। कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। ओह, अरे नहीं, मेरी चाय। ये क्या हो गया? अरे, मेरी केतली भी गई। अब क्या करूं? पहले मुझे लोको से बात करनी चाहिए। लोको, लोको, ला 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 ला। लो, लो। ओह, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी अभी। कान बज रहे होंगे। लोको, लोको। ये क्या? शायद मेरा माइक खराब हो गया। हेलो मिस्टर हर्ब। कौन आया है? टिटिबो, क्या बात है? क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ओह ठीक है, जाओ मौज करो। मुझे जाना होगा। बाय। ओ मिस्टर हर्ब, आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी चलूं। ओ मिस्टर हर्ब, क्या आप ठीक हैं? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या रेडियो? इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता था कि वो गलत डिब्बे ले जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाया। ओ, क्यों ना मैं लोगों को मालबूगी पहुँचा दूँ? लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाऊंगा, आज यहीं रुककर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू टिटिबो। जी। डीजल और जीनी को बता दूं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। रेडियो सिस्टम खराब हो गया है? हाँ? क्या सच में? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा है आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूंगा। तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ। ठीक है। तो ठीक है फिर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। डीजल, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। मिस्टर हर्ब। या, बोलो क्या बात है? टिटिबो ने बताया क्या हुआ? हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया। ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है, इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है। क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंह सिंह चौराहे के बीच में खराब हो गई है। वो चल नहीं पा रही। मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंह सिंह की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, इसलिए परेशान हूँ। चिंता छोड़िए, मैं सिंह सिंह को खींचकर प्रोडक्शन प्लांट ले जाऊंगी। तुम ये कर दोगी? जरूर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हर्ब, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। यहीं इंतजार करो डीजल। ठीक है। डीजल जी।
मैनी और बर्नी बंदरगाह में हैं। क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुंचा दोगे? जरूर, समझिए काम हो गया आपका। जैसे ही लोको काम पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो गलत माल बोगी ले आया है। लोको, हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं अभी मिस्टर हर्ब से बात करता हूँ। ठीक है मिस्टर हर्ब। सुनिए मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? लोको! ओ? लोको! टिटिपो! मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया। हाँ? सच में? और शुक्रिया। तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये चाहिए? मुझे मिस्टर हर्ब ने बताया। उन्होंने बताया? मैंने उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टिटिपो, टिटिपो। मैं तो आज बहुत देरी से पहुँचूंगा। सिंग सिंग। ओह, हाय जीनी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, शुक्रिया। सिंग सिंग को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है। सच में? हाँ, रेडियो खराब है, मिस्टर हर्ब ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आ गई। ओह, तो मैं भी मदद करूँगी। चेकअप के बाद मैं सीधा मिस्टर हर्ब के पास जाऊँगी। अच्छी बात है। डीजल मैनी और बर्नी के लिए माल बोगियाँ लेकर बंदरगाह पहुँच गया है। ओह, हे डीजल, तुमने मैनी और बर्नी को देखा है क्या? आ, शायद मैंने उन्हें शहर वापस जाते देखा है। आ, शहर चले गए? हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ, चूचू शहर में सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है। मिस्टर हर्ब। ओ डियर, देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। लगता है इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, छोटी रेलगाड़ियां मदद कर रही हैं। ये तो अच्छा है। ओह, पटरी पर चट्टानें गिर गई हैं और एरिक इसी रूट पर गया है। अगर उसे जल्दी नहीं बता पाया तो हादसा हो सकता है। हादसा? इसे टाल नहीं सकते, मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा। टियो, तुम माइक ठीक करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊं। मेरा स्कूटर? थैंक्स। एरिक को हादसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तेजी से जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। एरिक, एरिक! हाँ? ये स्कूटर की रफ्तार क्यों कम हो गई? ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रुको, एरिक, इस रूट पर खतरा है। एरिक! आ, कितना अच्छा मौसम है। एरिक! मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के रास्ते पर चट्टानें गिरी हुई हैं, मुझे उसे रोकना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों नहीं, जल्दी बैठिए आप। एरिक! 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी चलो। कोशिश करती हूँ उसके नजदीक पहुंचने की। एरिक! मैं क्या करूं? स्टेशन आ गया। एरिक, माफ करना। एरिक, जरा हटिए। अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम। रुको, रुक जाओ एरिक। अरे,
एरिक। मिस्टर हर्ब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अगले स्टेशन के रास्ते में पटरी पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हर्ब, आप इतनी दूर क्यों आए? आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरिक, यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, शहर आकर मिलूंगा। ठीक है, शुक्र है। मिस्टर हर्ब के छोटे साथी वापस शहर आ रहे हैं। जीनी, डीजल, टिटिबो, बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने? हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे, यहीं रुककर मिस्टर हर्ब की मदद की। अच्छा किया। मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी नहीं पता था। हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं। सही कहा। टिटिबो, जीनी, डीजल। ओह, मिस्टर हर्ब, क्या रेडियो ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर पाया। तुम सब ने आज मेरी बड़ी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज नहीं। हमने कमाल का काम किया। जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता दीजिए मिस्टर हर्ब। आप विश्वास कर सकते हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन शैतान। ठीक है। छोटी रेलगाड़ियाँ पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रही। तुम सबने बहुत अच्छा किया, शाबाश। बू, भूत आया। रेलगाड़ियाँ रात को भी चलती हैं, और आज रात को लोगों की ड्यूटी है। हाय मिस्टर हर्ब। लोको, लगता है आज तुम्हारी रात की शिफ्ट है। जी, मेरी पहली रात की शिफ्ट है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। डरो मत, वैसे ही करो जैसे हमेशा करते हो। ठीक है। तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जब वापस आओगे मैं मिलूंगा। ठीक है। कितना अंधेरा है, बहुत ही डरावना माहौल है। डर लगने के बावजूद लोको ने काम पर जाने की हिम्मत जुटा ली। अकेले जाते हुए कितना डर लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, लेकिन अच्छा होगा कि काम जल्दी खत्म हो जाए। अरे ये क्या था? सारी लाइटें भी बुझ गई है। कितना डरावना है ये सब। मैं गिर रहा हूँ। अरे नहीं, लोको तो पटरी से उतर गया। मदद करो। अगले दिन की शुरुआत हुई। लोको, टिटिबो, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम गिर गए थे। हाँ, मैं तेज जा रहा था क्योंकि डरा हुआ था और गिर गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, और पता है मेरी कल की भी रात की शिफ्ट है। अरे नहीं, रात को काम करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हें डैनी से बात करनी चाहिए। डैनी? डैनी कौन है? वो रेल जो ट्रैक्स की जांच करती है, वो रात को काम करता है। मुझे यकीन है डैनी तुम्हारी मदद कर पाएगा। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ठीक है, मेरे पीछे आओ। ठीक है। ये है डैनी, ये अभी अभी नहा कर बाहर निकला है। मजा आ गया। डैनी। हेलो टिटिबो। हेलो। हेलो। ओ, क्या ये कोई नई ट्रेन है? हाँ, ये है लोको। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कोई काम है? वो लोको रात को काम करते हुए डरता है। शायद तुम इसकी मदद कर पाओ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, प्लीज कुछ मदद करो ना डैनी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया डैनी। तो फिर चलने के लिए तैयार हो तुम? रुको 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 ना। ओ, डर लग रहा है। तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लोको। वाओ, कैसे डैनी? मेरा काम है पटरियों की जांच करना,
ओ, पटरियां मुड़ी हुई हैं। मुझे अभी टीओ को बताना होगा। टीओ, बोलो डैनी। हार्बर जाने वाले रास्ते की पटरियां मुड़ी हुई हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। पटरियों की जांच रेलगाड़ी के काम पर जाने से पहले करनी होती है, इसलिए मैं रात को काम करता हूँ। तुम रात को काम करते हो अकेले? शुरू में डर लगता था, लेकिन रात को काम करने में मजा आने लगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रात को लोको डैनी के साथ चलता रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोको, तुम कोई गाना क्यों नहीं गाते? गाना? हाँ, अगर तुम खुशी वाला गाना गाओगे तो डर नहीं लगेगा। पता नहीं, कोशिश करते हैं। चक चक चू चू चक चक चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चक चू चू, दुनिया को सुनाओ। चक चक चू चू चक चक चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चक चू चू, दुनिया को सुनाओ। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से अच्छा लग रहा है। लाइट्स फिर नहीं जल रही, बहुत अंधेरा है। इन बातों की जगह किसी और बात पर ध्यान दो, जैसे दोस्तों के साथ कोई मौज मस्ती वाली बात। हाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का कोई दिन। इन फूलों को देखो, कितने सुंदर हैं ये, बहुत सुंदर। एक दिन हम घूमने गए थे तो बहुत मजे किए थे। देखा लोगो, डर चला गया। वाओ, तुमने सही कहा डैनी। मैंने कहा था ना, डर को दूर करने के कई तरीके होते हैं। अरे लोको, एक मिनट के लिए रुक जाओ। रुक जाऊं? क्यों? सिर्फ सुनो, आंखें बंद कर लो लोको। हाँ? वाओ, इतनी अच्छी आवाज किसकी है? ये झिंगुरों की आवाज है, इन्हें रात के सन्नाटे में सुन सकते हैं। संगीत की तरह है। अब आसमान को देखो। आसमान को? लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो। ध्यान से? वाओ, इतने सारे तारे। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे। मुझे नहीं पता था कि रात इतनी सुंदर होती है। तो क्या कहते हो, अब तो तुम अकेले आ सकते हो ना? अकेले? पता नहीं, पर शायद मुझे अभी भी डर लगेगा। अच्छा, तो कल भी मैं क्या तुम्हारे साथ चलूं? वाह, तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होते ही इसलिए हैं। हम दोस्त हैं? हम दोस्त हैं। ठीक कहा तुमने, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टिटीपो टिटीपो। लोको। डैनी, तुम तो जल्दी आ गए, मेरी शिफ्ट तो बहुत देर से शुरू होगी। जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से मैं आज रात को तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। सॉरी। क्या, नहीं जा पाओगे? अब क्या करूँगा? याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मुझे यकीन है तुम अकेले काम कर लोगे। हाँ, ठीक है डैनी। अब वक्त है लोगों का रात की शिफ्ट को शुरू करने का। काम से लौटोगे तो तुमसे मिलता हूँ लोगो। ठीक है। आज कोहरा भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं वही करूं जो डैनी ने सिखाया तो डर नहीं लगेगा। मैं कर लूंगा। डैनी अपना काम कर रहा है। उफ, काम हो गया। पता नहीं लोगों ठीक से काम कर रहा होगा या नहीं, और आज तो कोहरा भी काफी ज्यादा है। मैं जाकर उसे देखता हूँ। अरे कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओहो, मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया। मैं इतनी जल्दी में था कि फ्यूल भरवाना ही भूल गया। ओह, रेल आ रही है, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। सामान से लदा लोगों वापस शहर की ओर आ रहा है। जो डरते नहीं है वो मंजिल को पाते हैं, चलते जाओ तुम हंसते गाते। ये तो गाना गाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं कोई मजेदार बात याद करता हूँ।
दिल से गाओ चगा चू चू चग चग चू चू सारी दुनिया को सुनाओ चग चग चू चू चग चग चू चू। वाओ कितने सुंदर है लोको, अब हम अच्छे दोस्त हैं। मेरी मदद करो प्लीज। ये आवाज कैसी थी? वहाँ क्या है? मदद करो प्लीज। कोई भूत है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, चल नहीं पा रहा। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। आवाज जानी पहचानी है। मैं यहाँ हूँ। ये डैनी की आवाज है, उसे जरूर भूत ने पकड़ लिया होगा। तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं रुको। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उतार दो, उतार दो। भूतों के रेगिस्तान में चलने का। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। डैनी, जब मुझे जरूरत थी तब डैनी ने मेरी मदद की थी। ठीक है, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा, मैं आ रहा हूँ। डैनी, डैनी को छोड़ दो, डरावनी भूतिया रेल, वो दोस्त है मेरा, मैं उसे छोड़ना पड़ेगा। अरे लोको, लोको, डैनी, भूतिया रेल ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? क्या भूतिया रेल? अभी तुम्हें भूतिया रेल ने पकड़ लिया था और तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे मैं चिल्लाया क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन मैंने भूतिया रेल को यहाँ देखा था। अरे कोहरे की वजह से मैं तुम्हें भूत लग रहा होऊंगा। कोहरे की वजह से? मुझे सच में लगा भूत है। कितना सुकून मिला मुझे। लोको डैनी को फ्यूल भरने की जगह पर ले जा रहा है। लोको एक बात बताओ, तुम्हें डर लग रहा था, तुम तब भी मुझे बचाने आए? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि भूतिया रेल तुम्हें अपने साथ ले जाए। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन इसीलिए तो दोस्त होते हैं। लोको तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम होते तो मेरे लिए यही करते ना। लगता है अब मैं रात की शिफ्ट अकेले कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। बिल्कुल डैनी। दोस्त की मदद करते हुए लोको जरा भी नहीं डरा। शाबाश लोको।